सात निश्चय योजना कितना सफल हुआ और अभी कितना करना बाकी है। सात निश्चय योजना को सफल बनाने के उद्देश्य बामपाली के मुखिया ने भोजपुर दर्शन से विशेष बातचीत की। बामपाली के मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना से बिहार के साथ ही भोजपुर में काफी विकास किया है और इसके प्रति हम सभी को भी और ज्यादा विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। स्वच्छ भारत का अभियान चालू है हमारे यहाँ। दो दिन जिला से टीम आया स्वच्छता के लिए। हम लोग सुबह में शाम को एक दिन मीटिंग किए, उसके बाद में दो दिन हम लोग सुबह सुबह घूमे पूरा पंचायत। हम लोग ODF के लिए पूरा पंचायत हम लोग नारा लगाए और घूमे। अभी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का हो रहा काम, कितना इंदिरा आवास पास हुआ अभी तक? अभी तक हम अपने पंचायत में 113 आदमी का इंदिरा आवास गरीबों को दिए हैं। नल जल अभी तक कितना लगे होंगे आपके वार्ड में? हमारे पंचायत में सात गो वार्ड चयनित हैं। पंचायत में 14 गो वार्ड हैं, जिसमें से 7 गो वार्ड जो हैं चयनित हुआ है। उसमें से हमारे पंचायत में 3 गो वार्ड हैं जो जिसमें 2-2 गो बोरिंग हैं। उसमें से सब मिलाकर हमारे पंचायत में 10 गो बोरिंग लगा है और उसमें सब में काम जोरों से चल रहा है। नाम बता दीजिए। प्रमोद कुमार पासवान, मुखिया पति बामपाली। आपने ये योजना जो है वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधक समिति को कार्य कराने के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे त्रुटियां पाई जा रही हैं कि वार्ड सदस्यों को बहुत ही परेशानी हो रहा है। कुछ मुखिया लोग हैं जो कि वार्ड सदस्यों को कम राशि का चेक काट कर और योजना को त्रुटि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये धरातल पे अभी तक आपको 40% उतरा हुआ है, 40% से ज़्यादा नहीं उतरा हुआ। इसमें बहुत सारा कारण भी है। कुछ ऐसे वार्ड सदस्य भी हैं जो कि काम कराने के बावजूद भी सही दिशा निर्देश और सही मार्गदर्शन प्रशासन द्वारा पदाधिकारी द्वारा नहीं मिलने के कारण वो अभी तक फंसे हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की बात चल रही है, कितना इंदिरा पास हुआ अभी तक इंदिरा आवास? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र में लाभुक को आवास योजना का लाभ देना है और गरीब वर्ग को लाभ देना है, लेकिन यहाँ पे पदाधिकारी और अधिकारी द्वारा ऐसा एक सिस्टम चैनल बना दिया गया है जो कि इसमें गरीब को लाभ ना मिलकर उनको लाभ मिलता है जिनका पहुंच पैरवी और पावर हो। कुछ ही ऐसे गरीब गरबा हैं जिनको इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है। इसमें बहुत सारे कमियां पाई गई है। अभी तक कितना इंदिरा आवास पास हुआ आपके गांव? मेरे पंचायत में अभी 85 गो इंदिरा आवास पास हो चुका था। अभी 18-19 का टारगेट भी आया हुआ है जो कि हम लोग पूर्णतः उसको जांच करा के उसी गरीब गुरबा को देना चाहेंगे जो कि उसके लाभुक के लाभ। जैसे कहना है कि मुखिया के 131 इंदिरा पास हो गया है, आपको 85। मेरे पंचायत बामपाली पंचायत में 85 इंदिरा आवास पहले से पास हुआ है और अभी टारगेट जो है 19 का टारगेट आया हुआ है। 19 का टारगेट आया जी। नल जल की कितना योजना अभी तक हुआ है काम? नल जल की हमारे पंचायत में 7 योजना 7 वार्डों में काम चल रहा है, जो कि अख्तियारपुर पंचायत में 3 वार्ड में है, मिल्की गांव में 1 वार्ड में है जी। और बामपाली पंचायत में 2 वार्ड में है और 1 वार्ड हली टोला है, वहां पे नल जल का कार्य चल रहा है। अब वार्ड संघ का अध्यक्ष भी हैं जी। क्या वार्ड संघ के लिए क्या कहिएगा? हम वार्ड संघ के मनोनीत अध्यक्ष हैं उदवंत नगर प्रखंड के, और हम अपने संघ के लिए आज तक संघर्ष की लड़ाइयां ही लड़ते आए हैं। क्या वो पटना का गर्दनी बाग की लड़ाई हो या वार्ड संघ के लिए पूरा भोजपुर की लड़ाई हो, हम लोग वार्ड सदस्य संघ की मजबूती के लिए आखिरी दम तक विकास का उस छोर पे ले जाना चाहते हैं जहां पे सारे पंचायत का विकास संभव हो सके। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह।